तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है समूह की महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन और स्कूटी। इस वीडियो में आपको इस जानकारी का पूरा सच बताऊंगा, किस तरीके से अकबरपुर तहसील क्षेत्र की करीब 1500 से अधिक महिलाओं से 20 लाख रुपए ठग लेने का मामला सामने आया है। बेहतर काम करने वाली महिला कर्मी को मोबाइल, स्कूटी व सुपरवाइजर बनाने तक का वादा किया गया था। ठगों ने करीब 5 माह तक काम कराया और बगैर भुगतान किए ही भाग गए। पीड़ित महिलाओं ने एसपी से मिलकर मामले में धोखाधड़ी पर केस दर्ज करने का गुहार लगाई है। अकबरपुर बसखारी मार्ग पर औलियापुर के पास करीब 6 माह पहले कुछ लोगों ने महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर एक संस्था का कार्यालय खोला। इसके बाद महिलाओं को जोड़ने का काम शुरू हुआ। बताया गया कि इसमें लौंग और तमाम मसालों की पैकिंग सहित कई सारे काम करने को दिए गए थे। प्रति पैकेट 10 रुपये कमीशन मिलेगा, ऐसा भी कहा गया था। साथ ही संस्था से 50 महिलाओं को जोड़ने पर एंड्रॉयड मोबाइल और 300 महिलाएं जोड़ने पर स्कूटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, बेहतर काम करने वाली महिला को सुपरवाइजर बनाने का भी झांसा दिया गया। शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंची बरियावन क्षेत्र की किरण, सुशीला, विनीता, मालती, प्रीति सहित दर्जनों महिलाओं ने न्याय की गुहार की। कहा कि उन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पर एसपी ने महिलाओं को उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। किस तरीके से सुपरवाइजर बनाने के लिए 2040 रुपये ऐठे गए। ठगी करने वाली आरोपी संस्था के लोगों ने महिलाओं को बताया कि यह लाभ उन्हें तभी मिलेगा जब वह 1020 रुपये जमा कर सदस्यता लेंगी। सुपरवाइजर बनने के लिए 2040 रुपये जमा करने को कहा गया। कुछ ही समय में जालसाजों के चंगुल में एक के बाद एक 1500 महिलाएँ फंसती चली गई। ठगों ने इन महिलाओं के करीब 5 माह तक मसाला पैकिंग का काम भी करा लिया और भुगतान भी नहीं किया। भुगतान के लिए दबाव बनाने पर संस्था का संचालन कर रहे तीनों आरोपी फरार हो गए। महिलाओं को पोषाहार देने के नाम पर भी 100-100 रुपये की वसूली की गई थी। तो दोस्तों, किस तरीके से आप लोग को इन सभी जालसाजों से नहीं तो दोस्तों किस तरीके से इन सभी जालसाजों से आपको बचना है। और कभी भी कुछ इस तरीके का कोई भी स्कीम लेके आता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में उस स्कीम को वेरीफाई जरूर कर लें। जहाँ पर दोस्तों पैसे देने की बात आती है वहाँ पे तो आपको करना ही करना चाहिए। तो सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और बहनों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं, कभी भी कोई ऐसी योजना या स्कीम आए तो आप वहां पर थोड़ा सा अलर्ट और सचेत जरूर हो जाए। जब पैसे आपके जेब से जाए तो उसको आप जरूर पूछिए। अगर कुछ ऐसा है सरकारी तो यकीनन आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और सरकारी वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके की कोई भी अगर धांधली भरी हुई स्कैम आती है तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कंप्लेन करें या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर जरूर सूचित करें। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी क्लिक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।